हाँ, हम भी वही देख रहे कि उसके बाद इतना भीड़ देखेगा। तब भी हमारा आरबीआई का काउंटर खुला था, तब भी इतना भीड़ नहीं था, लेकिन कहीं किसी का पास रह गया होगा, उसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन हमारा जो फैसिलिटी है, हम सबको यही अनुरोध करेंगे आपका माध्यम में कि अकाउंट का, डिपॉजिट का, फैसिलिटी का जो सुयोग लीजिए, सुयोग तो उसमें इंडिया पोस्ट के माध्यम से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भेजिए, नहीं तो यहाँ हमारा बक्सा रखा गया, वहाँ फॉर्म फिलअप करके डाल दीजिए। ये लंबा लाइन में सुबह से खड़ा रहेंगे, उनको भी कष्ट हो रहा है। हमारा ये लाइन छोड़ के अंदर में 200-250 लोग बैठे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत सारे मजदूर लोग हैं जो पैसा लेके आ रहे हैं, पैसा एक्सचेंज करने के लिए। वो तो पहले हम बताएं, हम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन हमारा पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट, हर किसी का बिना वैलिड डॉक्यूमेंट में हम किसी को अलाउ नहीं करते, सबका वैलिड डॉक्यूमेंट हम रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, हमारा सीसीटीवी भी रिकॉर्डिंग रखते हैं। तो अगर कल को कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमें बोलेगा कि ये दिखाए वो दिखाए। सर, आरबीआई के सामने बड़ी लंबी लाइन है 2000 नोट एक्सचेंज करने के लिए, क्या है और आपका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। 2000 नोट एक्सचेंज करने के लिए आरबीआई में काउंटर हमारा खुला गया। यहाँ 10 नोट तक जो काउंटर में जो एक्सचेंज करना चाहते हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर किसी को चाहिए वो अपना अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब दे के अपना अकाउंट में जमा कर सकते हैं। पैन कार्ड और नहीं तो पैन, नहीं तो फॉर्म 60, वो अपना अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट क्या है हमारा, आप अंदर में थोड़ा देर में देखेंगे। अरेंजमेंट हमारा क्या किया गया, एक सामियाना बाहर में हम किए हैं, 150 से 200 लोग बैठे हैं उधर, वो लोग अंदर में उनको छोड़ा जाता है। अंदर में हमारा क्यू मास्टर में अरेंज किया गया, उनको अंदर में लेडीज सीनियर सिटीजन के लिए अदर अलग से क्यू किया गया। यहाँ जो पानी के व्यवस्था किया गया, पानी पीने का और फैन, ये सब में भी व्यवस्था किया गया। यहाँ अंदर में हम एक बक्सा रखे हैं, जो लोग चाहते अपना अकाउंट यहाँ आ गए अपना अकाउंट में डालने के लिए, यहाँ हमारा 3 अफसर रखे हैं जो फॉर्म फिलअप में हेल्प करेंगे, लफाफा भी रखे स्टाफ पुल करके उसके अंदर डाल सकते हैं बक्सा में। सर, एक्सटेंडेड कोई मैंने डेट कुछ पूछा? डेट अभी तक कोई बंद करने का डेट फिक्स नहीं हुआ है, जो आरबीआई का जो सर्कुलर गाइडलाइन है अभी तक कोई डेट। सर, जो दूर के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो कैसे, वो उसी नोटिफिकेशन में है, वो इंडिया पोस्ट का माध्यम से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट और पैन और आधार, पैन और फॉर्म 60 देके भेज सकते हैं हमारा पास। हमें जो दिन मिलेगा, हमें इंस्ट्रक्शन है 7 दिन के अंदर उनका अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। हम ये जो देखा गया 1 से 2 दिन के अंदर उनका अकाउंट में क्रेडिट करते हैं आज तक। गेट बॉर्डर गेट बॉर्डर।